मेडिकल साइंस ये मानती है कि जो लोग खुश होते हैं उनका इम्यूनिटी सिस्टम, उनका कुव्वते मुदाफ़त जो है वो बहुत अच्छा होता है और उस बना पर उनकी सेहत बहुत अच्छी और बेहतरीन होती है। और वो कैसे मजबूत हो सकता है? खुश रहने से। तो खुश रहने के कौन से उसूल हैं? उसूल नंबर एक है कि जो नेमतें अल्लाह ताला ने हमें अनायत की हैं, हमें दी हैं, जो एहसानात अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर किए हैं, जो नेकियां जो उसने खैर व भलाई हमारे ऊपर की है, उन नेमतों का एहसास करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाएं, उसकी नेमतों का शुक्रिया अदा करना। ना सिर्फ उसकी अता करदा नेमतों का शुक्रिया बल्कि इस शुक्र के अंदर लोगों का शुक्रिया भी शामिल है कि अगर कोई लोगों में से हमें कोई चीज़ देता है तो हम आगे से उसका शुक्रिया अदा करें। नेमतें देने वाली हकीकी ज़ात अल्लाह ताला की ही ज़ात है। तो उस एतबार से मैं चंद बातें आपसे शेयर करता हूँ। पहली बात तो ये है, सूरह इब्राहीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। अगर तुम मेरा शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। यानी अगर हम अल्लाह ताला की नेमतों पर शुक्र बजा लाएंगे, उसका शुक्रिया अदा करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे, उस पर इत्मीनान का मुजाहरा करेंगे तो हमें और ज्यादा अल्लाह ताला नेमतों से नवाजेगा, हमें और ज्यादा नेमतें दी जाएंगी, हमें और ज्यादा अल्लाह ताला अपने एहसानात से जो है वो हमें नवाजेगा। वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। लेकिन अगर उन नेमतों का शुक्रिया अदा न किया, उनका हमने जो है वो हमने कुफराने नेमत किया, उसकी हमने नशुक्री की, तो फिर जो नेमत अल्लाह ताला ने दी है वो हमसे छिन भी सकती है, वो हमसे वापस भी ले सकता है। तो इसी तरह सूरह नहल में फरमाया, वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। इतनी ज्यादा अल्लाह ताला की नेमतें हैं कि उनका शुमार करना मुमकिन ही नहीं है। अब कौन कौन सी नेमतें हैं, चंद नेमतों का तस्करा मैं आपसे करता हूं। इसका जिक्र सूरह अल मुल्क आयत नंबर 23 में फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, कुल हुवल्लज़ी अनशअकुम वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफ़ईदा क़लीलम मा तशकुरून, कि वो अल्लाह वो जात जिसने तुम्हें पैदा किया, तुम्हारी समाअत यानी तुम्हारे कान बनाए, तुम्हारी आंखें बनाई और तुम्हारा दिल बनाया, बहुत थोड़े हैं जो उसका शुक्रिया अदा करते हैं। और अल्लाह ताला ने सूरह आराफ में अपनी सबसे बड़ी नेमत का तस्करा भी किया, अल्यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, सूरह अल माईदा में, कि आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी है। यानी सबसे बड़ी नेमत का तस्करा अल्लाह ताला ने ये किया कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया, हमें इस्लाम की नेमत से सरफराज फरमाया, ये अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है। शायर ने चंद कलिमात में इन चीज़ों को बयान किया है, जानवर पैदा हुए तेरी वफा के वास्ते, खेतियां सरसब्ज हैं तेरी गजा के वास्ते, चांद सूरज और सितारे हैं जिया के वास्ते, सब जहां तेरे लिए पर तू खुदा के वास्ते। जिंदगी शऊर इंसानियत सेहत तालीम वालिदैन घर रोटी, ये सब कुछ अल्लाह ताला की नेमतें हैं, ये सब कुछ अल्लाह ताला के हमारे ऊपर एहसान है, ये सारी अल्लाह ताला की हमारे ऊपर नेकियां हैं। उसने आसमान और जमीन को हमारे मतहत कर दिया है, हमारे लिए मुसख़र कर दिया है, और जो है वो हमारे लिए कायनात का इलम ऐसे खोल के बयान कर दिया कि जैसे कायनात के अकेले वारस हम ही हैं। अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है, उसने हमें जितनी नेमतें दी हैं वो बिला मुआवजा दी हैं, बगैर पैसे लिए, बगैर कीमत वसूल किए उसने हमें इतनी सारी नेमतों से नवाजा है। और इसके बरक्स जरा देखिए, अगर इंसान किसी को कोई चीज देता है तो उसके बदले में चाहता है कि उसकी हड्डियों तक का गोदा तक खींच ले, इतनी मेहनत उससे करवाता है, इतने काम उससे करवाता है, उसको जो है वो एहसान जताता है। लेकिन अल्लाह ताला बगैर मुआवजे के, बगैर कीमत वसूल किए इतनी बड़ी नेमतें हमें दे रहा है। बल्कि सच तो ये है कि अल्लाह के दिए हुए में से देने वाला अपनी तरफ से क्या दे रहा है, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला के दिए हुए में से देने वाला अपनी तरफ से क्या दे रहा है, कुछ भी तो नहीं।
फिर ये तकब्बुर, ये एहसास मलकियत, ये सरकशी, ये जो है वो तगूतियत, जुल्म जबर, ना इंसाफी, बदअनवानिया, ये सब कुछ क्या है? रिश्वत, चोर बाजारी, झूठ और मकर व फरेब के जरिए जो है वो इस तरह कमाई हुई दौलत, ये सब क्या है? लेकिन हम अल्लाह ताला की नेमतों का एहसास नहीं करते ना, हम ये समझते हैं कि शायद ये माल दौलत जो मैं दे रहा हूं ये मेरे लिए लाजमी और जरूरी थी और मैं अपनी कमाई में से दे रहा हूं, जबकि मुनअम हकीकी अल्लाह ताला की जात है, उसी ने तो हमें दिया है। हम तो सिर्फ जो ऑक्सीजन हम इस्तेमाल करते हैं ना उसकी भी कदर नहीं करते। हम ऑक्सीजन बिला मुआवजा हर रोज की बुनियाद पर 24 घंटों में कितनी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसकी कदर उनसे जानिए जो है जब उनको वेंटिलेटर पे लेके जाते हैं। जरा अस्पतालों का विजिट कीजिए, आज तो हमें ये बात समझना बहुत आसान है कि इस वबा की सूरत में किस कदर जो है वो ऑक्सीजन जब हम जो है वो बिला मुआवजा ले रहे होते हैं, हमें इस चीज का एहसास भी नहीं होता। अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है, लेकिन जब इसके पैसे अदा करना पड़ते हैं, जब इसकी कीमत अदा करना पड़ती है, फिर हमें एहसास होता है ऑक्सीजन अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है। लेकिन हम कितने बदकिस्मत हैं कि ऑक्सीजन पैदा करने वाले जो असबाब अल्लाह ताला ने हमें दरख्तों की सूरत में दिए हैं, जंगलात की सूरत में दिए हैं, हमने उनको काटना शुरू कर दिया। ग्लोबल वार्मिंग की तरफ हम जा रहे हैं, आबो हवा को आलूदा कर रहे हैं और अपने हाथों से अपने आप को जो है वो खुदकुशी की तरफ धकेल रहे हैं। ये हमारी हालत है। अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमतें हैं, इसका जिक्र अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मकामात पर किया है, सूरा अर्राद में भी इसका तस्करा है, इसके अलावा दीगर मकामात पर भी आपने फरमाया कि ऐ इंसान जरा अपनी आंखें को खोलो, एक ही जमीन पर तुम कई तरह की फसलें काश्त करते हो। एक ही जमीन पर पानी भी एक है, किसान भी एक है, आबो हवा भी एक तरह की ही है, तो उसी एक जमीन पर तुम कई तरह की फसलें काश्त करते हो। और फिर जो एक तरह की फसलें काश्त करते हो, अगर एक ही तरह की फसल को देख लो, उसका जायका मुख्तलिफ होता है। फलों में के अंदर जो है वो एक जमीन का जायका कुछ और है, थोड़ा सा उधर चले जाए जायका कुछ और है। अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमतें, इतने बड़े उसके एहसानात, और इसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह अलअनाम में भी किया है कि अल्लाह ताला तो वो जात है जो दाने और गुठली को अल्लाह ताला ही जो है वो फाड़ने वाला है। उसके अंदर जिंदगी पैदा करने वाली कौन सी जात है? अल्लाह ताला। मुर्दों को जिंदा करने वाला कौन है? अल्लाह ताला। हम तो सिर्फ एक बीज जमीन में डालते हैं, अल्लाह ताला उसको किस तरह जमीन से बाहर निकालता है और किस तरह उसके ऊपर फल फूल जो है वो लगते हैं और इस तरह एक पूरे बाग की शक्ल इख्तियार कर जाता है। कितनी बड़ी उसकी नेमतें। हर हर दाना कुदरत का अनमोल खजाना, हर हर कतरा हौज़े कौसर, हर हर दिन बेमिसल अनायत, हर हर शब बेपाया रहमत, अल्लाह की कुदरत के तोहफे, दुनिया दौलत इल्म हकूमत, दरिया पानी मट्टी बारिश, खेत शजर फल फूल बहारे, किस किस शय का जिक्र गुजारें, हर नेमत अल्लाह की नेमत, जितना रब का शुक्र करेंगे अपना दामन और भरेंगे। लेकिन सच बात तो यह है कि नेमतों की कदर और कीमत सिर्फ वही शख्स ही इससे वाकिफ हो सकता है, वही इसको जान सकता है जो इससे महरूम होता है। चांद छुपता है तो एहसास ज़िया आता है, रोशनी का एहसास होता है जब चांद छुपता है। अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें हमें दी हैं, इतनी नेमतें हमें दी हैं, हमें उस वक्त उसका एहसास होता है जब वो नेमत छिन जाती है। आंखों की कदर, बिनाई की कदर उस वक्त होती है जब बिनाई नहीं रहती। जो हमारे उज्व सलामत हैं इनकी कदर उस वक्त रहती है जब खुदा ना खास्ता अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से हम एक्सीडेंटली हादसाती तौर पर हमारा हाथ जाया हो जाता है, हमारा पांव जाया हो जाता है, हमें जो है वो शरीर चोटें आती हैं, फिर इस चीज का एहसास होता है। यार ये कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत थी, कितना बड़ा उसका हमारे ऊपर एहसान था। और जो लोग अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों की कदर नहीं करते, अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को सही तरह से इस्तेमाल में नहीं लाते, उनको सूरह अल आराफ आयत नंबर 179 में कल अनाम जानवरों की तरह कहा गया है। जानवर है वो, वलकद ज़रअना लिजहन्नम कथीरन मिनल जिन्न वल इंस, हमने पैदा किया जहन्नम को, उसके अंदर बहुत ज्यादा लोग जो है वो जिन्नो इंस होंगे, उनके दिल हैं लेकिन वो समझते नहीं है। लहुम कुलूबुल्ला यफ़क़हून बिहा, उनके दिल हैं लेकिन वो उससे समझते नहीं, दिल से दिल भला काम ही नहीं लेते, दिल से इस पूरी कायनात के अंदर गौर व फिक्र करते ही नहीं है, सोचते ही नहीं है, दिल के अंदर एहसास ही नहीं है, एहसास मोहब्बत ही नहीं है, दूसरों का एहसास ही नहीं है,
وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, उनकी आंखें तो हैं लेकिन देखते नहीं हैं। आंखों से देखना दो तरह का होता है, एक इस तरह होता है, ये एक हमारी हद होती है, हम कुछ हद तक इसको देख सकते हैं, और एक ये होता है मुस्तकबिल को देखना, मुस्तकबिल बीन भरना, पेशबीनी। हम बसारत से होने के बावजूद बसारत से महरूम है, आंखों से काम ही नहीं लेते। और तीसरी बात यह है कि अल्लाह ताला ने ये आंखें दी हैं कि ये सारी नेमतें जो उसने दी हैं, जरा इनका नजारा अपनी आंखों से करके उसका शुक्रिया बजा लाए। लेकिन हम इससे शुक्रिया बजा लाने की बजाय इसको अपना हक और फर्ज समझते हैं कि ये हमारा हक था कि हमारे साथ आंखें हों। यही है लहुम अयुनुल्लाह युबसिरून बिहा, उनकी आंखें हैं लेकिन उसमें से देखते नहीं है, बसारत नहीं है उनके, उनके कान है लेकिन सुनते नहीं है। पहला इसका मतलब यह है कि सुनी अनसुनी कर देते। दूसरी बात यह है कि उनके कानों पर इस तरह जो है वो ताले लग चुके हैं, वो इस तरह उनको हक बात समझ ही नहीं आती, उनको हक बात की तरफ ध्यान ही है, हक बात की तरफ उनकी तवज्जो ही नहीं है, हक बात को सुनना पसंद ही नहीं करते। तो ये अल्लाह ताला की सारी नेमतें हैं। आगे फरमाया उलाइका कल अनआम, जो इनका इजहार नहीं करता, जो इनको सही मानों में इस्तेमाल नहीं करता, वो चौपाओं की तरह है, बलहुम अज़ल, बल्कि उससे भी बदतर है, चौपाओं से भी बदतर, जानवरों से भी बदतर है वो इंसान जो अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का एहसास नहीं करता। जरा इस बात पर गौर कीजिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी ज्यादा इबादत क्यों करते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बख्शे बख्शाए थे ना, हम सबका जो है वो ये ईमान है, आपके तो अगले पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए गए थे, लेकिन फिर भी इतनी इबादत क्यों करते? सैयदा आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, इतनी अल्लाह ताला की इबादत करते थे कि पांव के अंदर वर्म आ जाते, पांव मुबारक सूज जाते, क्यों इतनी इबादत करते? सैयदा आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला अन्हा ने आपसे दरियाफ्त किया तो आपने फरमाया, अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह ताला का शुक्र गुजार बंदा ना बन जाऊं? मैं इसलिए ये काम करता हूं, मैं इसलिए ये इबादत करता हूं कि अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्रिया अदा करूं।